देखो मेरा बैग छोड़ो, मैं उन्हें शोर में चाह दूंगी। भाई भाई बचाओ भाई, ये देखें भाई मुझे छेड़ है। ओए लड़के ये क्या हो रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़की का हाथ पकड़ते हुए? तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है कोई? भाई ये मुसलसल मेरा पीछा कर रहा है और मेरा बैग छीन रहा है और मेरा जो टच कर रहा है। ओए बेशरम घटिया इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? तुम जैसे घटिया इंसान का इलाज करना मुझे खुद आता है। तुम क्यों मार रहे हो इस बेजबान को? बेजबान क्या मतलब है आपका? ये लड़का गूंगा है, बोल नहीं सकता ये। अरे ये गूंगा बड़ा बेगैरत है, ये राह चलती लड़कियों को छेड़ता है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कौन सी लड़की? अरे वो लड़की अभी तो यहाँ खड़ी थी, कहाँ चली गई? ये लड़की अभी अभी मेरा मोबाइल लेके भागी है, इस गूंगे ने देख लिया और इसके पीछे भागा, लेकिन आपने समझा कि ये लड़की को छेड़ रहा है। और ये लड़की क्या जुल्म करवाने लगी थी मुझसे? बैग चेक करवाओ, अपना बैग चेक करवाओ। नहीं करवाती हो यार, मैं पुलिस को बुलाऊं। क्या यही है तुम्हारा मोबाइल? हाँ यही है मेरा मोबाइल। भाई प्लीज माफ कर दे, मुझे आइंदा नहीं करूंगी, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दे। माफी के काबिल नहीं हो, मैं अभी एसएचओ साहब को कॉल करता हूँ। ये भाई प्लीज माफ कर दे, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी। साहब हमने एक चोर पकड़ा है, आप फौरी तौर पे यहाँ पे आ जाएं और इन्हें पकड़ के ले जाएं। भाई माफ कर दे, नेक्स्ट टाइम नहीं। अभी एसएचओ साहब आएंगे और आपको पकड़ के ले जाएंगे। दोस्तों कोई भी फैसला करने से पहले हकायक को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। बाज़ औक़ात हमें जो नजर आता है वो हकीकत नहीं होती।